सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे कॉइन्स है और मात्र 1 लाख के कॉइन्स है और इसी में मैं गेम प्ले करूंगा, ठीक है। और कंटिन्यू विन करके दिखाऊंगा आप लोगों को वीडियो में, वो भी मुंबई अरेना में। तो देख सकेंगे हम लोग किस तरह से हर मैच को विन करते जाएंगे और लास्ट में यार आप लोग देखना मेरे साथ किस तरह का सीन होता है आप लोग देखिएगा। और इसीलिए गाइज मैं कॉइन्स इकट्ठा नहीं कर पाता इसी कारण से। तो देखिएगा लास्ट में मेरे साथ किस तरह का सीन होता है मेरे साथ देखिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग कंटिन्यू मुंबई अरेना गेम प्ले करेंगे क्योंकि हमारे पास उतने कॉइंस नहीं है ब्रेड टेबल में खेलने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी कंटिन्यू मुंबई अरेना गेम प्ले करेंगे। तो गाइस यार मैं कुछ दिनों से वॉइस ओवर वीडियो नहीं ले पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि यार मुझे एग्जाम का टाइम जो चला है मेरे पास, ठीक है, अभी तो उसका मुझे तैयारी भी करना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैं वॉइस ओवर वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, इसलिए मैं यार म्यूजिक लगा देता हूँ, हो गया। तो गाइस यार इसलिए सॉरी आप लोगों को। और देखो गाइस यहाँ पे किस तरह से हमारा ये जो शॉट लगता है, मैंने इसको मतलब कि जो फ्रेम में फंसा हुआ था वो पक, ठीक है, ओपोनेंट के फ्रेम में उस पक को निकालने की कोशिश कर रहा था, बस यहाँ पे किस तरह से शॉट लगता है, दोनों पक हमारा पॉकेट रहता है। तो गाइस यार ये शॉट आपको कैसा लगा कमेंट में बताऊँ। और गाइस हम लोग चलेंगे अभी नेक्स्ट मैच की ओर और हम कंटिन्यू अभी 2 मैच या 3 मैच विन किए हैं, तो मुझे भी नहीं पता 2 मैच विन किए, ठीक है। तो यार 189,000 के कॉइंस हो चुके हैं हमारे पास देख सकते हैं, और हम कंटिन्यू अभी विन करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूयॉर्क के टेबल में खेलेंगे और न्यूयॉर्क के टेबल में हमारे साथ क्या सीन होता है गाइस, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी मजा आएगा उस वीडियो में। और मुझे तो काफ़ी बुरा लगा यार। तो देखो गाइस किस तरह से हम जो बार बार हम लोग विन करते हैं, वो भी मुंबई अरेना के टेबल में यार, इसमें काफ़ी सारे प्रो ही आते हैं, ठीक है। ये गेस्ट आईडी नहीं है जिसमें कि यार बार बार विन किया जाए फिर भी, ठीक है, ये गेस्ट आईडी नहीं है, ये मेरी मेन आईडी है और इसी में मैं गेम प्ले किया हूँ और कंटिन्यू विन किया हूँ। तो देख सकते हैं अभी किस तरह से मैं गेम प्ले कर रहा हूँ अभी। तो गाइस यार मेरे पास ना उतने कॉइन्स भी नहीं थे, ठीक है, जितने अभी देख सकते हैं 1 लाख के कॉइन्स मात्र थे, पर तब भी मैं वनडे से मुंबई अरेना गेम प्ले करता हूँ। और उसके बाद मैं मुंबई अरेना गेम प्ले करके जैसे ही मेरे पास हो जाते हैं न्यूयॉर्क के खेलने के कॉइन्स, ठीक है, तब वैसे ही मैं न्यूयॉर्क का गेम प्ले लगा देता हूँ, ठीक है। और देखता हूँ यार कि क्या होता है हमारे साथ सीन, और देखिएगा आप लोग क्या होगा सीन हमारे साथ। तो देख सकते हैं गाइस मैंने कंटिन्यू अभी 3 बार विन किया, और गाइस हमारे पास देख सकते हैं अभी 139 मिलियन टोटल विनिंग्स है, 65% विन रेट है, और देख सकते हैं अभी 2,34,000 के कॉइन्स हो चुके हैं हमारे पास। और गाइस हमारा जो मैच है वो लग चुका है अहमद भाई के साथ लेवल 43, ठीक है। तो गाइस यार इस मैच को भी हम लोग बहुत आसान तरीके से विन कर लेंगे क्योंकि यार मैं मैच को बीच में कट कर दिया, ठीक है, और ताकि आपका समय बर्बाद ना हो ज़्यादा, ठीक है, तो इसी कारण मैं यहाँ पे मैच को कट कर दिया हूँ। सो गाइस अगर आप कैरम पूल गेम प्ले कर रहे हैं, ठीक है, अभी फेयर प्ले कर रहे हैं, तो यार फेयर प्ले के लिए यही है कि यार कॉइंस मायने नहीं रखता, ठीक है, आपका गेम प्ले मायने रखता है कि आप किस तरह से गेम प्ले करते हो अपनी आईडी में और किस तरह से गेम प्ले को विन करते हो, आपका गेम प्ले ज़्यादातर उस पर ही होता है, ठीक है। और ये तो यार कॉइंस के चक्कर में कुछ नहीं, कॉइंस थोड़ा रहे चाहे ज़्यादा रहे, ज़्यादा गेम प्ले उसका मेन होता है, ठीक है, मेन चीज़ जो होता है वो गेम प्ले होता है, किस तरह से गेम प्ले आप करते हैं। तो गाइस यार कॉइंस में इतना फर्क मत डालो और कॉइंस के बारे में इतना ज़्यादातर मत पूछा करो कि भाई आपके पास इतने कॉइंस है, आपके पास 0 कॉइंस है, यार ऐसा होता है किसी के पास 0 कॉइंस होता है, कभी कभी यार बहुत कभी कभी तो यार बहुत सारे कॉइंस हो जाते हैं, कभी कभी यार पूरे कॉइंस लॉस हो जाते हैं। अभी देख सकते हैं इस गेम प्ले के बाद हमारे पास कितने सारे कॉइंस हो जाएंगे आप लोग देखिएगा लाइव की तरह। तो गाइस यार यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन हमें जो है अपोनेंट मिल चुका है, और ये मोहम्मद भाई का फ्रेंड होगा शायद, ठीक है। तो गाइस यार देख सकते हैं अभी किस तरह से गेम प्ले कर रहे हैं ये भाई, पता नहीं गाइस ये लुलू प्लेयर है कि क्या प्लेयर है, बट यार इसी का मैंने सोचा था कि यार चांस मेरा आएगा तो विन कर लूँगा, तो मैंने मुझे चांस नहीं मिला, तब फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ भी मुझे चांस मिलेगा शायद, मैंने ऐसे सोचा कि यहाँ पे चांस मिलेगा, बट यहाँ पे भी मुझे चांस नहीं मिलता। और किस तरह का सीन होता है हमारा गाइस, और देख सकते हैं एक ही बार में अपोनेंट ने हमारा ब्रेक टू फिनिश कर दिया पूरा। तो गाइस यार आप लोग देख सकते हैं आपके सामने मेरे पास कितने कॉइन्स हो चुके हैं रिस्क लेने के बजाय। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे कॉइन्स हो चुके हैं, अभी इतने सारे कॉइन्स तो आप गिन भी नहीं सकेंगे शायद मेरे अंदाज से। तो गाइस यार आप लोग को इस तरह से रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, अगर रिस्क लेते हैं तो यार काफ़ी सावधानी से रिस्क लेना और बहुत सारे कॉइन्स हो गए तभी आप गेम प्ले करना ब्रेड टेबल में। तो गाइस यार मुझे तो नहीं लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, बट यार मुझे गेम प्ले करने में मजा आता है, मेरे पास जितने कॉइन्स रहते हैं मैं उतना गेम प्ले कर लेता हूँ, जितना चाहे सिंगापुर के बोर्ड के हो गए कॉइन्स तो मैं सिंगापुर को भी खेल लूँगा, क्योंकि यार मुझे रिस्क लेने की आदत बहुत है, मैं रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत करना, और यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय, टेक केयर।